गाइस आज फूल की दुकान में इतना भीड़ है कि मैं क्या बताऊं। हम लोग खाने के लिए लाइन लगे हैं और देखो कितना, तीन ही लोग हैं, नहीं चार लोग हैं, एक का ख़त्म हो गया और अभी तीन लोग बचे हैं। और देखो कितना ज़्यादा भीड़ है, मेरी बहन के मुंह में ना लार आ रहा है। चल झूठा, खाने के लिए तरस गई है बेचारी, पर मिल नहीं रहा, इतना ज़्यादा भीड़, पूरा फूल की ख़त्म हो जा रहा है। खिलाते खिलाते परेशान हो गए, और शोभा लाइन में लगी है बेचारे का मुंह सूख दिया है फुल्की खाने। कैसे लार सू रहा है, बड़े दिन बाद खा रहे हैं। पानी वाला नहीं खाते, मैं मीठा वाला खाती हूँ पर मन। हाँ वैसे मैं भी मीठा वाला खाती हूँ, खट्टा मेरे को पसंद नहीं है, पर खा रही है ना। हाँ पर खाऊं, गलत बात है, ऐसे नहीं। से मिला हम लोग को गुपचुप, सोफा खा के निपटा भी दी, कितना भुखाई थी, भीड़ काफ़ी भीड़। और खाएगी नहीं गाइस, तो बहुत दिन के बाद हम लोग खुल के खाए, मज़ा आ गया। कैसा लगा तुमको, हिचकी आ गया सोफा को याद कर रहा है, मीठा खाना है, हिचकी नहीं आया, मीठा खाना है। बहुत खर्चा करवाती है लड़की, इसको अब दोबारा नहीं लाना है, दोबारा लाना ही नहीं है, कब भी नहीं लाना है। तो स्वभाव भी गाड़ी चलाएगी, गाड़ी चाबी ले 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 तो चला। गाड़ी चाबी कहाँ गया, मैं दे रही हूँ इसको, और ठोकेगी तो मैं इसको ठोकूंगी। इस तो ये लड़की बोतल में पानी रखी थी और पूरा बोतल का पानी खाली हो गया, पूरा गिर गया, और मैं इसमें पैसा रखी थी 200 रुपये, और ये देखो पूरा भीग गया। और ये जो गाड़ू मतलब दूसरे बोतल का ढक्कन को इसमें ढकी है तो क्या होगा, गिरेगा ही। और देखो कचरा इसमें मेरा, देखो महानतम व्यक्ति लोग, ये इसका ढक्कन नहीं है, दूसरा का है, पता नहीं रे कौन किया है ऐसा। पूरा मेरा पैसा बर्बाद हो गया है, 200 रुपये देखो पूरा भीग गया, बर्बाद हो गया। ऐसा कैसे दूंगी भाई, बर्बाद हो गया ना। चल अच्छे से रखना एकदम, कैसे रख रही है कपड़ा को, एकदम कैसे लड़की है ये। तो गाइस सामने भी देख सकते हैं फूल की दुकान है, कितना भीड़ है, और एक का तो ख़त्म हो गया है, और दो तीन तीन जो ठेला है उसमें भीड़ है, और इधर भी भीड़ है, देखो कितना ज़्यादा भीड़ है। खाने के लिए पूरा लाइन लगे हुए हैं, गर्मी का टाइम है तो लोगों को खट्टा खाने का मन करता है तो सब खा रहे हैं। और इधर नारियल नारियल पानी बिक रहा है, मैंने इंडिकेटर जला के पता नहीं क्या कर रही है, अब बंद कर दी, अरे वापस ला रही है, बैक भी नहीं कर पा रही है। और कौन तो इधर खड़ा कर दिया है पीछे साइड में, नहीं मुड़ेगा गाड़ी, ऐसा नहीं मोड़ा जाता, और पीछे आगे करो, आगे करके फिर कट मारो, हाँ आप पीछे लाओ। इधर 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 घुमा, इधर इधर देख रहे हो कैसे कैसे मोड़ती है यार लड़की। टेंगेस टेंगेस कर रही है इस, मेरी भुखड़ बहन अभी जलेबी लेने के लिए गई है, और ये है घड़ी चौक के पास, और यहाँ का जलेबी जो है बहुत ही अच्छा लगता है, और ये मेरा फेवरेट जलेबी प्लेस है। और मेरी बहन अंदर लाइन में लगी हुई है, देखते हैं कितने घंटों बाद आती है। और यहाँ पे ना ठंड के दिन में जलेबी दुकान में इतना ज़्यादा भीड़ होता है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि क्या बताऊँ, मिलता ही नहीं है, मतलब पूरा 5-10 मिनट से यहाँ पे आप लोगों को लाइन लगाना पड़ेगा। मैं शोभा का वेट कर रही हूँ, और फाइनली मेरी बहन क्या 10 रुपये क्यों दे रही, तुम कितना खिलाई हो, नौटंकी मत करो मार खाएगी, ये देख रहे हो मेरे को, मैं 100 रुपये दी थी और ये 10-10 रुपये दे रही है, पूरा पैसे रख ली, और 20 रुपये का जलेबी ले करके आई है। तो हम लोग पहले जलेबी खाते हैं, सुबह तुम टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है, काफ़ी दिन हो गया, लगभग हो गया होगा साल, एक साल हो गया होगा, हम मैं खाई नहीं हम लोग खिलाओ। जीव जानवर है कितना भी खाए फूका ही रहता है।
गर्म है, गर्मा गर्म जलेबी। यहाँ पे जब भी खाने आएंगे आप लोग, गर्मा गर्म जलेबी मिलता है, मज़ा आ जाता है एकदम। गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है। जलेबी सेंटर का नाम है हरियाणा जलेबी सेंटर, हरियाणा जलेबी गर्मा गर्म। तो आप लोग यहाँ पे आइए और एक बार टेस्ट करके देखिएगा, काफ़ी मज़ा आ जाता है। और ये अकेले खा रही है, मेरे को पूछ ही नहीं रही है, ऐसे भूखे लोगों से तो दूर ही रहना है।